वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज हम करने वाला है एक न्यू प्रोसीजर, मेडिकल से रिलेटेड प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का नाम है स्पंज बाथ। तो हम पहले जानेंगे कि स्पंज बाथ क्या है। तो ऐसा जो मरीज है जो बेड से उड़ नहीं सकते हैं, हम उनको बेड रिडन पेशेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस लेवल में हो, पेशेंट कोमा कंडीशन में हो, या पेशेंट का कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है पैर पे, या पेशेंट पैरालाइज है, तो इस कंडीशन में, या तो कोई उनको सर्जरी हुआ है उसकी वजह से पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो इन कंडीशन में हम पेशेंट के जो शरीर है उसका जो सफाई है वो गीला कपड़े से किया जाता है। उस प्रोसीजर को हम स्पंज बाथ कहता है। तो हम जानेंगे कैसे ये स्पंज बाथ हमें करना है। तो स्पंज बाथ के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स चाहिए। वो आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेडी करके रखा है। हम देखेंगे क्या क्या आर्टिकल्स हमें इस प्रोसीजर के लिए जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक बेसन रखा हुआ है, बेसन में हमने पानी रखा है, और स्पंज के लिए हम उसमें कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज करेंगे। यहाँ पे हमने डेटोल रखा हुआ है, तो डेटोल का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैकिंटोश है, ये रबर की शीट है जो हम पेशेंट के शरीर के नीचे बिछाएंगे ताकि जो पेशेंट का जो शीट है, बॉटम शीट, वो गीला ना हो। मग रखा है हमने पानी उठाने के लिए, और नीचे हमने दो बाल्टी रखा हुआ है। एक बाल्टी में हम पानी रखेंगे और दूसरा बाल्टी जो है वो खाली रहेगा। जो गंदा पानी है हम उसको खाली वाला जो बाल्टी है उसमें डालेंगे। और यहाँ पे हमने पाउडर्स वगैरह रखा हुआ है पेशेंट को स्पंज करने के बाद लगाने के लिए, बैक में और प्राइवेट पार्ट्स में। और यहाँ पे हमने क्लीन क्लोथ्स रखा हुआ है जो पेशेंट को स्पंज करने के बाद पहनाने के लिए। और क्लीनिंग के लिए हमने दो स्मॉल टॉवल रखा है, एक और एक बिग टॉवल रखा है, और एक बिग ट्रे में हमने ये सारे सामान रखे हुए हैं। और पेशेंट की जो आईज को साफ करने के लिए हमने एक दो कॉटन की बॉल भी रखे हुए हैं। तो ये सारा जो है, ये है हमारी जो स्पंज बाथ की जो आर्टिकल्स हैं। अब हम देखेंगे हम कैसे शुरू करें। तो स्पंज करने के लिए हमें सबसे पहले, चाहे स्पंज हो या हमारा कोई भी प्रोसीजर हो, सबसे पहला हमारा काम होता है पेशेंट को इन्फॉर्म करना। अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस लेवल में है तो हमें इनसे परमिशन लेना पड़ता है। इनकेस वो कॉन्शियस लेवल में नहीं है तभी भी हमें उनको चाहे कि आप क्या जॉब करने वाले, क्या काम करने वाले, वो बताना है। तो हम इस तरीके से हम उनसे इन्फॉर्म करेंगे, सर आपका स्पंज बाथ की टाइम हो गया, क्या मैं आपका स्पंज बाथ करूं? ऐसे हमें उनसे परमिशन लेना है। परमिशन लेने के बाद ऑलरेडी हमने आर्टिकल्स वगैरह इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो हमें नेक्स्ट करना है पेशेंट को प्राइवेसी देना है, क्योंकि ये काम में हमें पेशेंट के कपड़े वगैरह खोलना होता है तो पेशेंट को शर्म आने के चांसेस है, तो इसलिए हमें पेशेंट को प्राइवेसी देना है। तो प्राइवेसी में हम क्या करते हो, हम ग्रीन शील्ड वगैरह लगा लेते हैं, खिड़की दरवाजा वगैरह है तो उसको हमें बंद करके रखना है। अगर कोई पेशेंट की रूम में कोई है तो उसको हमें प्यार से बाहर जाने के लिए बताना है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, सर क्या आप लोग थोड़ा समय के लिए बाहर जा सकते हैं, पेशेंट को मुझे स्पंज करना है। तो इस तरीके से हम उनको प्यार से बाहर कर देंगे। तो हमने अभी प्राइवेसी दे दिया, हमने आर्टिकल्स इकट्ठा किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। कोई भी प्रोसीजर करेगा उससे पहले हमें 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश है, उसको फॉलो करना। तो अभी हमने हैंड वॉश करके आ गए, तो हैंड वॉश के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को जो कपड़े पहना हुआ है उस कपड़े को हमें निकालना है। तो हमें उसको प्राइवेसी देने के लिए एक बिग टॉवल जो हमने रखा हुआ है, इस बिग टॉवल को पूरी पेशेंट की बॉडी में रख के ऐसे कवर करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को अनक्लोथिंग करेंगे, छोड़ दो बस। तो स्पंज करने में हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का जो आईज है, दोनों आईज को हमें क्लीन करना है। तो आईज हम टॉवल से क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि टॉवल थोड़ा सा हार्ड है, तो हमें सॉफ्ट, कोई सॉफ्ट चीज से करना है। तो हमने यहाँ पे क्या है कि कॉटन रोल रखा हुआ है, कॉटन का बोल, सॉरी बोल रखा हुआ है। तो कॉटन बोल को पानी में हमें क्लीन वाटर में डिप करके उसको एक बार निचोड़ना है, और पेशेंट का जो आईज है, आईज को अंदर से बाहर की तरह हमें उनको क्लीन करना है। तो अंदर से लेके हमें पेशेंट को बोल सकते हैं आईज को थोड़ा सा बंद करने के लिए, मैम थोड़ा सा आईज बंद करना, फिर आप अंदर से बाहर की तरह उसको क्लीन करेंगे। एक बार क्लीन किया उसको हम वापस रखेंगे, दूसरा उठा के, दूसरा पानी में डिप करके निचोड़ के जो उनकी लेफ्ट आईज है उसको भी अंदर से बाहर की तरह क्लीन करें। नेक्स्ट, उसके बाद हमें पेशेंट का जो फेस है, फेस को क्लीन करना है। जो बाल है वो नॉर्मली हम हेयर केयर के प्रोसीजर में करते हैं, हेयर केयर का प्रोसीजर हमने ऑलरेडी बना के हमारे चैनल में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो फेस को साफ करने के लिए हमने दो टॉवल्स यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें से एक टॉवल को उठाएंगे
उस टॉवल को हमें ये पानी में डिप करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लिक्विड है उसको डाल देंगे। आप एक ढक्कन या दो ढक्कन सॉल्यूशन डाल सकते हैं और उस पे हम उसको डिप करेंगे। पर इसको हमें ऐसे पकड़ के आपको उसको इस तरीके से बनाना है, ये ऐसे बन के यहां कर देंगे और यहां से इसको यू करके इस टाइप में एक आपको पैड टाइप में बनाना है। तो इस टाइप में पैड टाइप में बनाने के बाद आपको उसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ इस तरीके से क्लीन करना। और पेशेंट का जो गर्दन है उनको भी आप अच्छा से साफ करेंगे। एक बार साफ होने के बाद आप इसको वापस इसी में डालेंगे और जो हमारे दूसरी टॉवल है, जो स्मॉल टॉवल है, उसको उठाएंगे और उससे आप उसको ड्राई करेंगे अच्छा से। जहां पे हमने गीले टॉवल से साफ किया था वो सब आप ड्राई वाले से क्लीन करेंगे। ये जो ड्राई करने के लिए यूज किया ये टॉवल जो है, ये हम इसको गीला नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा जो पानी है जिससे हमने फेस को साफ किया था, इसको एक बार आपको इसमें अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपको उसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद इसको बाहर रखना है और ये जो पानी है ये अभी गंदा है, इसको हमें उठा के जो हमारी जो बाल्टी है, जो खाली बाल्टी है उसी पे हमें फेंकना है। गंदा पानी है हम उसको जो हमारा खाली वाला जो बकेट है उसमें फेंक देंगे। उसके बाद जो हमने रखा हुआ है साफ पानी उसको कप से उठाएंगे और दोबारा हम बेसिन में डालेंगे। हम इस तरीके से हर पेशेंट के हर पार्ट को साफ करने के बाद उस पानी को हम बार बार चेंज करते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो पेशेंट की जो चेस्ट है, चेस्ट और अब्डोमेन ये दोनों को हमें साफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ चेस्ट और अब्डोमेन जो है उसको आपको ओपन करके रखना है यहाँ तक। तो अभी हमने इनकी अपर जो पार्ट है चेस्ट और अब्डोमेन इसको हमने एक्सपोज कर दिया। अब हमें वही गीला कपड़े जो हमने साफ करके रखा हुआ है उसको उठाना है, सेम आपको पैड बनाना है इस तरीके से। पैड बनाने के बाद आपको सेम ऊपर से नीचे की तरह आपको उसको क्लीन करना है। अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो जो ब्रेस्ट के नीचे का जो पार्ट है उसको भी आपको अच्छी तरफ से क्लीन करना है, क्योंकि वहां पे गंदगी होने का, इंफेक्शन होने का चांसेस है। तो ऊपर से नीचे की तरह आप उसको साफ करेंगे। उसके बाद सेम आपको उसको दोबारा पानी में धोना है। धोने के बाद उसको निचोड़ के बाहर, और जो हमारी जो सूखा टॉवल है सूखा टॉवल से आपको ऊपर से नीचे की तरह क्लीन करना। एक बार अच्छा सा क्लीन करने के बाद हमें पेशेंट को जो अनकवर किया था वो वापस कवर कर रखना है, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी ना है। अभी हम दोबारा वही चीज करेंगे, जो हमारे गंदा पानी है उसको हम खाली वाला बाल्टी में डालेंगे और फ्रेश पानी को इसमें लेंगे। फ्रेश पानी में लेके उसके बाद जो टॉवल लेके हम पेशेंट की एक एक हाथ को साफ करेंगे। तो हाथ का जो पार्ट है ये आर्म है, ये फोरआर्म है, ये हैंड है और जो अंडर आर्म है, तो सबको आपको साफ करना है। तो सबसे पहले आप आर्म को साफ करेंगे। आर्म को साफ करने के बाद आप उसकी फोरआर्म को साफ करेंगे। फोरआर्म को साफ करने के बाद आप उसकी हैंड्स को, हाथ को साफ करेंगे। सबसे लास्ट में आप पेशेंट की जो अंडर आर्म है, अंडर आर्म को भी साफ करेंगे। अंडर आर्म में भी पसीना वगैरह होने के चांसेस है, तो अंडर आर्म भी साफ करने के बाद आप उसको दोबारा धोने के लिए डालेंगे और आप धो लेंगे। उसके बाद हम इससे इसको ड्राई करेंगे। पहले आर्म को ड्राई करेंगे, फिर फोर आर्म को ड्राई करेंगे,
फिर हैंड्स को, इसके बाद अंडर आर्म्स को। तो इस तरीके से आप पेशेंट की दूसरी साइड का जो हाथ है उसको भी साफ करेंगे। सेम आप पानी चेंज करेंगे। उसके बाद अब हमें करना है पैर को। तो पैर को करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर से अनकवर किया था, जैसे आपको अभी नीचे से इसको अनकवर करना है पेशेंट को। यहां तक आपको अनकवर करना है और जो हमने गीला कपड़ा है उससे पेशेंट के पैर को, थाइस को साफ करना है। और नीचे साफ करने के लिए पेशेंट के घुटने को ऐसे उठा के रखे, नीचे भी अच्छी तरफ से साफ कर सकते हैं। साफ करके फिर पेशेंट के जो लेग्स हैं, लेग्स को भी सबको साफ करना है। साफ करके नीचे रखना है, इसको धोने के लिए डालना है और सूखा वाले टॉवल से आप उसको सुखा दो। सुखाने के बाद तो नीचे रखेंगे, सेम टू सेम आप इस पैर में भी करेंगे। अभी हमने प्राइवेट पार्ट्स को साफ नहीं किया, पीरियल साइड को, वो बाद में करेंगे। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को अगेन कवर करना है। अब हमें इनकी बैक सेट, पेशेंट के बैक सेट और बटेक्स है वो साफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को पोजिशन देना होगा। तो पोजिशन देने के लिए आपको क्या करना है, ये हाथ ऊपर रखना है, ये हाथ पेशेंट को यहाँ पे रखना है। ये जो पैर है राइट वाला पैर हम पेशेंट को देने वाले हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो राइट वाला पैर को उठा के ऐसे रख देंगे, फिर यहाँ पे और शोल्डर में पकड़ के हमें पेशेंट को घुमाना है इस साइड पे, ठीक है। पेशेंट को सपोर्ट के लिए वो साइड लगाना। अगर पेशेंट पकड़ के ले सकता है तो पेशेंट को बोलना है कि ऐसे साइड लगा के पकड़ देना, उसको साइड में पकड़ के उसको ऐसे बिठाना। उसके बाद जो हमारे गीला कपड़े हैं उसको साफ करके उसको दोबारा पैड बनाएंगे और उससे हम वही सेम ऊपर से नीचे की तरह साफ करेंगे बैक साइड। ऊपर से नीचे की तरह इस तरीके से हम उसको क्लीन करेंगे और बटक्स को भी आप राउंड राउंड में साफ करें। एक बार साफ कर दिया उसके बाद आप सूखे टॉवल से उसको ड्राई करें। साफ कर दिया अच्छे से ड्राई होने के बाद, अगर आप चाहते हैं तो उसको वहां पे कुछ पाउडर्स वगैरह जो है वो आप लगा सकते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, ताकि वो स्किन वगैरह जो है बिल्कुल ड्राई रहे। पाउडर्स लगा दें, उसके बाद पेशेंट को सीधे बिठा। अब पेशेंट का सारी बॉडी हमने क्लीन किया, सबसे लास्ट में आपको क्लीन करना है प्राइवेट पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का चांसेस प्राइवेट पार्ट में है, इसलिए हम सबसे लास्ट में प्राइवेट पार्ट को साफ करेंगे। उसके बाद जो क्लोथ कपड़ा वगैरह जो है वो हम क्लीन करने के लिए डालेंगे। तो प्राइवेट पार्ट करने के लिए दोबारा आपको प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करना है, ठीक है। उसके बाद गीला कपड़े उठाना है। हम पानी को हर बार फेंक देंगे, पैड बनाएंगे इसको, पैड बनाने के बाद जो प्राइवेट पार्ट है हमें थोड़ा सा पेशेंट का पैर को खोल के रखना है इस तरीके से। तो प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से आपको अच्छी तरफ से क्लीन कर लें। एक बार हमने अच्छी तरफ से क्लीन कर लिया तो एक बार साफ करने के बाद हम इसको डायरेक्टली वॉश के लिए हम डाल देंगे और ड्राई वाला जो टॉवल है उस टॉवल से हम उस एरिया को अच्छी तरफ से क्लीन करें। एक बार ड्राई भी किया तो इस टॉवल को भी आप सीधा वॉश के लिए डालेंगे और पाउडर्स वगैरह डालना है, क्योंकि यहाँ पे भी पेशेंट को पसीना वगैरह होने के चांसेस है, रैशेस होने के चांसेस है, तो वहाँ पे भी आप कुछ क्या कर सकते हैं, पाउडर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा सा एक बार पाउडर डाल दिए। अब हमारी स्पंज बात है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इनको पहनाना है
हमने जो कपड़े रखा हुआ है क्लीन कपड़े, तो इस कपड़े को पेशेंट को पहनाना है। तो अभी हमने पेशेंट को न्यू क्लीन जो कपड़े है वो पहना दिया। पहनाने के बाद हमें पेशेंट को दोबारा हमारे जो प्राइवेसी हमने दिया था वो हम हटा सकते हैं, और जितना भी सामान हमने यूज किया है स्पंज बाथ के लिए वो सबको वापस करना है। जो जो चीजें क्लीन करने के लिए है वो क्लीन करने के लिए डालेंगे, कपड़े वगैरह, बाकी जो बेसन में पानी है, बाल्टी में जो पानी है, वो सब हम फेंक के उसको खाली करके क्लीन करके रख देंगे। सबसे लास्ट में हमें दोबारा हैंड वॉश करना है। हर प्रोसीजर करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। अगर आपको लग रहा है पेशेंट को जो स्किन वगैरह बहुत एलर्जेटिक है, ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो आप एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन के भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हमारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो सबसे लास्ट में हर प्रोसीजर करने के बाद आपको एक काम करना है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपको इसको डॉक्यूमेंट करना है। जिस टाइम पे हमने किया, अभी जो टाइम है वो 12:30 बजे है, तो आपको 12 PM लिखना है और एक्टिविटी में लिखना है कि स्पंज बाथ किया। और एक कॉलम है लास्ट में रिमार्क्स के लिए। रिमार्क्स में आपको हमेशा लिखना है कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जैसे हमने स्पंज बाथ किया तो हमने पेशेंट की पूरी जो बॉडी है, उसके स्किन है, वो सब देखा है। तो कोई स्किन में रैशेस हैं, कहीं कलर चेंज है, कहीं बेड सोर टाइप का घाव बनने का कोई चांसेस है, ये सब अगर आपको नोटिस हो रहा है तो इस चीज़ को आपको रिमार्क्स में लिखना है और अपना सीनियर नर्सेस को या पेशेंट फैमिली को आपको बताना है। तो ये है कंप्लीट हमारे स्पंज बाथ की प्रोसीजर। होप आप लोगों को ये प्रोसीजर अच्छा लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा देखेंगे, तब तक बाय।